सेवन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे। आज हम इस पूरी वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शोज, मतलब कि ये जो ए टू डी ड्राइंग्स है ये किसको शो करती है, ये बोल रहा है। तो ये चार ड्राइंग्स हैं ए बी सी डी, तो ये किसको शो करती है ये आपने बताना है। तो पहले हमने क्या करा, ये सारी ड्राइंग्स की फ्रैक्शन बना ली, ये सारी ड्राइंग्स हैं इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने देखा मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। जो फर्स्ट ड्राइंग है 2x3 का फ्रैक्शन, अगली भी 2x3 एंड नेक्स्ट को मैं शेड करना रह गया तो नेक्स्ट भी टू बाई थ्री है। तो तीनों ड्राइंग्स हैं ये शेडेड 2x3। नेक्स्ट पे आते हैं तो ये है 1x2 एंड अगेन 1x2। अगली ड्राइंग पे आते हैं तो ये है 1x4। नेक्स्ट पे आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल है 5 और शेडेड कितना है 1, तो इसको भी मैंने 1x5 में लिख दिया। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं क्योंकि इनसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शोज, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ कराया है जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये क्या है 2 × 1/5, इसका मतलब समझना है, इसका मतलब होता है ट्वाइस ऑफ 1/5। ये जो मल्टीप्लाई है ना, कभी भी एक फ्रैक्शन में हो और एक बिल्कुल सिंपल सा नंबर हो तो ये इसी तरीके का नंबर कहलाता है। इसी तरीके से इसको इसकी पहचान बनती है 2 ऑफ 1/5, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/5, यानी कि 1/5 का ट्वाइस। तो 1/5 का ट्वाइस यानी कि 1/5 और 1/5, ये समझना है आपने। ट्वाइस ऑफ 1/5, डबल ऑफ 1/5। अब डबल ऑफ 1/5 बोले तो 1/5 और 1/5, और हमने फ्रैक्शन इसीलिए बनाई थी पहले ताकि अब ये मेरा किस फॉलोइंग ड्राइंग को मैच करता है उससे मेरा शो हो सके। तो 1/5 और 1/5, अब देखिए आप कहाँ है, यहाँ है 1/5, नहीं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ये देखिए यहाँ है, यानी कि ये किसको शो करती है, डी पार्ट को। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 2 × 1/2, बोले तो ट्वाइस ऑफ 1/2, यानी कि 1/2 को दो बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/2, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/2 बोला जाए तो 1/2 का डबल, ट्वाइस ऑफ 1/2, यानी कि 1/2 एंड 1/2। और ये किसको शो करती है, यहाँ पे हम देखते हैं 2/3, नहीं है तो शो ही नहीं कर रही है, 1/2 देखिए, हाँ किस फिगर को शो कर रही है, ये बी फिगर को शो कर रही है, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है वो बी फिगर को शो करता है। थर्ड पे आते हैं, अब यह ट्वाइस नहीं है या थ्राइस है, यानी कि 3 गुना, 2/3 का 3 गुना, यानी कि 3 बार 2/3, यानी कि 2/3, 2/3, 2/3। अब 2/3 किसको शो करता है, 2/3 ए फिगर को, ये देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन बनी हुई है, तो ये किसको शो कर रहा है, ए पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट पे आते हैं, थ्राइस ऑफ 1/4, 3 × 1/4 बोले जाए तो थ्राइस ऑफ 1/4। अब 1/4 कैसे बनेगा, 1/4, 1/4 एंड 1/4, तो इसको देखते हैं 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि जो सी फिगर है वो फोर्थ पार्ट को शो करती है। तो इसी तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट को शो करना है, ए टू डी शोज, एक तरीके से मैचिंग जैसा कुछ हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सम पिक्चर्स ए टू सी, ए से सी तक ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, आर गिवन बिलो, नीचे दे रखी है, टेल विच ऑफ देम शो, यानी कि ये जो है ये इनमें से किसको शो करती हैं फिगर्स, आपने ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ है थ्राइस ऑफ 1/5, थ्राइस ऑफ 1/5 को हम पहले बनाते हैं, थ्राइस ऑफ 1/5 को यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सॉल्यूशन में, थ्राइस ऑफ 1/5, या इनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा ध्यान दीजिएगा पहले ये ऊपर न्यूमरेटर का नंबर है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3×1=5 हो जाएगा ये। तो जब ये 3 × 1/5 होगा तो देखना ये न्यूमरेटर का नंबर है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 3×1 एंड 1/5, और आपने एक बार ध्यान रखनी है आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, तो 3 × 1 = 3 एंड 1 × 5 = 5। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह ही बना रखा है, 3 × 1/5 मैंने इसको सॉल्व कर दिया। और अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, 3 × 1/5 बोले जाए तो थ्राइस ऑफ 1/5, और बोला जाए तो थ्राइस ऑफ 1/5 बोला जाए तो 1/5 3 बार, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने यही करा है, 1/5 + 1/5 + 1/5, ठीक है।
और 1/5 + 1/5 + 1/5 ये किसको शो कर रहा है ये समझना है आपने, ये देखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखते हैं, अच्छा पहले हम इनके फ्रैक्शन भी बना लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी रहे। तो टोटल हैं कितने, 1, 2, 3, तो टोटल तो हैं 3, लेकिन शेडेड कितना है 1, तो 1/3। एंड इसमें भी यही सेम है, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, ये भी बनेगा 1/3। एंड अब यहाँ पे देखिए इक्वल क्या कर रखा है, इन दोनों को ऐड कर रखा है देखिए आप, क्योंकि सेम टोटल फ्रैक्शन कितनी है। अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 करी थी और उस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/3 को 1/3 से आप ऐड करिए, तो हम देखते हैं डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर तो हमारा कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो हम इसको यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ये ऐड करा गया है, यहाँ आपने देखना है। और ये 2/3 कैसा है ये भी देखिए आप, टोटल फिगर 3 है तो टोटल फिगर 3 ही रखा और शेडेड 2 कर दिया, यानी कि एक इसका शेडेड हुआ और एक इसका शेडेड हुआ, तो इसीलिए फिगर 2/3 हो गई, यानी कि इन दोनों को ऐड करा गया है। इसमें भी यही देखते हैं, टोटल फिगर कितनी है 1, 2, 3, 4 इक्वल है यहाँ, ठीक है। तो ये टोटल फिगर्स है, अब इसमें शेडेड कितना है, टोटल फिगर हैं 4 और शेडेड है 3, तो फ्रैक्शन बनेगी 3/4, इसमें फ्रैक्शन बनेगी 3/4, इसमें भी फ्रैक्शन बनेगी 3/4। तो ये 3/4, 3/4, 3/4 तीनों फ्रैक्शन बन चुकी है। और यहाँ पे क्या करा होगा अब ये देखना है, आप पहले टोटल देखिए, यहाँ कॉमन 3/4, 3/4, 3/4 है, ठीक है, यानी कि जो टोटल बनना चाहिए वो टोटल होना चाहिए 4, ठीक है। एंड 3 + 3 + 3 = 9, यानी कि ये 9 शेडेड होना चाहिए 4 से। अब 4 में से 9 तो शेडेड हो ही नहीं सकते, इसीलिए पहले इसने यही 3 ट्राइंगल्स हैं, इन्हीं 3 ट्राइंगल्स को बना रखा है और उसमें से 9 शेडेड कर रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 और 4, 8 और 1, 9, यानी कि ये पूरा इसी तरीके से इसने टोटल करा हुआ है। तो ये इसी तरीके से फिगर बना रखी है, यहाँ पे भी 1/5 + 1/5 + 1/5 और यहाँ पे इनका पूरा 5 कॉमन लेके और 1 + 1 + 1 = 3/5। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, फर्स्ट पार्ट को देखें, 1/5 + 1/5 + 1/5 = 3/5, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सी को शो करता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट पार्ट शो टू सी, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है 2 × 1/3, बोला जाए तो ट्वाइस ऑफ 1/3, 2 गुना 1/3 का 2 गुना 1/3 का 2 गुना, तो ये किसको शो करता है ये देखिए, ट्वाइस ऑफ 1/3 1/3 and 1/3 = 2 ऑफ 1/3, यानी कि ये हमारी सेकंड फिगर जो है वो ए फिगर को शो करती है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है वो हमारा ए फिगर को शो करता है। अगला है 3 × 3/5 = 3/4, बोला जाए तो थ्राइस ऑफ 3/4, यानी कि 3/4 को 3 बार 3/4, 3/4, 3/4, ठीक है। अब ये 3/4, 3/4, 3/4 यही है, क्योंकि हमने पहले इसको फ्रैक्शन बना ली और ये फिगर किसको शो करती है, सेकंड पार्ट को, सॉरी थर्ड पार्ट को ये फिगर शो करती है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से बोल देना है, सो थर्ड पार्ट शो टू बी, सॉरी सो थर्ड पार्ट जो है वो किसको शो करता है, बी को शो करता है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए पार्ट आपको दिया है, इसको मल्टीप्लाई करो, रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि काटो पीटो, एंड देन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, और लास्ट में इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लास्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैंने एक चीज़ समझाई है आपको इसको इस पार्ट में, यहाँ पे जैसे जो आपका ये पार्ट है 7 and 3/5, ध्यान से पहले आपने देखना है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे जब आप, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 7 and 3/5, तो इसको काटना पीटना है, इस बार इसको सॉल्व करना है। हमने पिछला क्वेश्चन देखा था तो वो तो टेक्निक यूज़ करके 3 × 1/5 तो वो बन गया था हमारा थ्राइस ऑफ 1/5, ऐसा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो मोटिव है वो बिल्कुल अलग है, उसको बिल्कुल अलग ही तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं दोनों अगर नंबर फ्रैक्शन के होते तो ज़्यादा बेटर रहता, तो मैं इस नंबर को, ये तो फ्रैक्शन में है नहीं और ये फ्रैक्शन में है पी बाई क्यू फॉर्म में, लेकिन ये नहीं है तो मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में बनाऊंगा। तो कभी भी कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और जब मर्जी हम 1 हटा सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने 1 लगाया और 1 हटाया।
तो अब देखिए, अब ये फ्रैक्शन में भी है और ये भी फ्रैक्शन में है, तो अब ये सॉल्व होंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे तीन चीज़ें बताऊँगा, वो आपने ध्यान देनी है। ये आपका नंबर है 7 and 3 1/5, ये आपका पूरा नंबर है। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है ये देखना है आपने। ये जो नंबर हैं, हमेशा अगर ये फेस टू फेस हो, आमने सामने हो, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। कभी भी इनको आमने सामने आप सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे, अगर आप इनको आमने सामने सॉल्व करोगे तो। ये बात ध्यान रखनी है आपने, कभी भी आप इनको फेस टू फेस आमने सामने सॉल्व कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप इनको यूं क्रॉस में सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा ये एक दूसरे से डिवाइड होंगे, यानी कि कटेंगे एक ही टेबल में। जैसे कि हम लोएस्ट फॉर्म करते हैं, जो जैसे कि हमें लोएस्ट फॉर्म में कैसे करना होता था, 8/10, तो हम इसको एक ही टेबल से कटने चाहिए ये, ठीक है। तो एक ही टेबल से किसके टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आता है, 4 नंबर पे और ये आता है 5 नंबर पर। आपको सॉल्व करते हो तो ऊपर नीचे तो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कभी 7 and 1/5 and 3/5, कभी अगर ये नंबर इससे भी तो सॉल्व हो रहा होगा, तो इसको इससे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इससे हमेशा काटना है, इसको भी इससे काटना है। और आमने सामने हमेशा मल्टीप्लाई है, उधर उधर डिवाइड होंगे और आमने सामने मल्टीप्लाई होगी, और ऊपर नीचे भी डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड, क्रॉस डिवाइड, सामने मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो मैंने यही 7/1 and 3/5 बनाया, क्योंकि मैंने नीचे अपनी तरफ से 1 ले लिया। उसके बाद मैंने देखा कि कट रहे हैं कि नहीं, तो 7 था ऊपर और नीचे 1 था, तो 7 और 1 तो किसी नीचे 1 है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो ये तो कट ही नहीं सकता है, तो बेचारा वैसे ही छोटा है इतना। और 3/5 मैंने देखा किसी एक टेबल में आते हों, तो 3 और 5 किसी एक टेबल में आते ही नहीं है। उसके बाद 3 और 1 को देखा, क्योंकि ये ऐसे भी कट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने काटने की कोशिश करनी है, लास्ट में अगर नहीं कटता तो आपको ये जो सामने है ये इधर आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इन दोनों को देखा, 3 और 1, 1 तो छोटा नंबर है, कट ही नहीं सकता। फिर 7 and 5 को देखा, तो 7 and 5 तो भाई किसी के टेबल में आते ही नहीं, सेम टेबल में, यानी कि ये कट ही नहीं रहे किसी भी कंडीशन में। तो अब इनको मैं क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई। तो 3 है और 7 है, 3 7 ज़ा 21 and 1 5 ज़ा 5, यानी कि मल्टीप्लाई और रिड्यूस। अब मल्टीप्लाई हो गए हैं ये, एंड देन रिड्यूस। अब इनको क्या करना था, रिड्यूस। भाई 5 और 21 देखो किसी एक टेबल में कट रहे हो, तो 5 और 21 तो किसी एक टेबल में आते ही नहीं है, यानी कि ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो लास्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर देंगे, तो 5 और 21 को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा, 5 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन 4 नंबर पे 20 आता है, और माइनस करा तो 1 बचा। और ये हमने अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपने फॉलो करनी है। जो नीचे का नंबर है इसको आप बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे, और इसको आप बिल्कुल यहाँ ले आएंगे, और इसको बिल्कुल आप साइड में ले जाएंगे। तो 1 को आप बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको 4 को बिल्कुल साइड में ले जाना है तो 4 साइड में, एंड 5 को आपने नीचे ले आना है तो 5 सबसे नीचे आ जाएगा। इस टेक्निक को आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। जो नीचे वाला नंबर है ये हमेशा बिल्कुल ऊपर ले जाना, और ये जो सबसे ऊपर वाला है उसको साइड में ले आना, और जो साइड वाला होता है उसको नीचे। बस आपने यूँ इसको कर देना है, ठीक है, टर्न आपको इनका यूँ कर देना है, तो पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4 into 1/3। अब 4 है, दोनों फ्रैक्शन में होने चाहिए, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में बनाया, इसके नीचे 1 लिखा, 4/1 into 1/3। फिर मैंने देखा ऊपर नीचे कट रहे हैं, ऊपर नीचे कट ही नहीं रहे क्योंकि 1 1 है। फिर मैंने देखा 1 और 1 कट रहे हैं, 1 और 1 छोटे नंबर है, कट ही नहीं सकते। फिर मैंने देखा 4 and 3 एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं, यानी कि लास्ट में क्या कंडीशन पड़ गई, इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, 4 1 ज़ा 4 and 1 3 ज़ा 3, तो क्या बन गया, 4/3। अब 4/3 बन गया, तो 4/3 को मेरे को लास्ट में इनको काट के देखना है, इनको ये फेक ही टेबल में आते ही नहीं किसी टेबल में, तो अब क्या कर लेना है, इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। तो 3 और 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 1 नंबर पे क्या आता है आपका, 3, 4 में से 3 माइनस करा 1। तो अब आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल टर्न कर देना है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वाला साइड में, और साइड वाला सबसे नीचे, ये बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 5th पे। 5th पार्ट आपका 2/3 into 4 है,
और इसमें देखेंगे क्या पता कटता हो, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है तो आपने इसको फ्रैक्शन में बनाना है, तो इसके नीचे वन ले लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से ये करा है। अब मैंने देखा ऊपर नीचे कट रहे हैं, ऊपर नीचे फोर और वन नहीं कटते हैं, टू और थ्री नहीं कटते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइड में काट के देखेंगे, साइड में भी नहीं कट रहे हैं, साइड में भी नहीं कट रहे हैं। तो अब लास्ट में आपके पास क्या कंडीशन बचती है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो टू फोर ज़ा एट एंड थ्री वन ज़ा थ्री, एट बाय थ्री अभी आपका बच चुका है। अब एट बाय थ्री को आप काटने की कोशिश करेंगे, एट बाय थ्री किसी के टेबल में आते हैं, सेम टेबल में, तो देखा हमने सेम टेबल में एट बाय थ्री आता ही नहीं है। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। तो थ्री और एट को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, थ्री के टेबल में एट नहीं आता है लेकिन टू नंबर पे सिक्स आता है। तो हमने इसको वैसे सॉल्व करा और माइनस करा, लास्ट में टू बचा। अब इसको हम बिल्कुल टर्न कर देंगे, तो टू बिल्कुल ऊपर और टू इस साइड में और थ्री बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको करा। ऐसे ही मैं स्किप करता जा रहा हूँ बाकी पार्ट्स आपके लिए। तो मैं एक ये पार्ट लाया जिसमें कुछ कंडीशन बन रही है कटने पिटने की, तो मैंने वो क्वेश्चन फाइंड करा और आपके सामने लाया मैं इस क्वेश्चन को। एट पार्ट है ये, 20 × 1/5, एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, इसको फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो 20 × 1 × 4/5, अब हम देखेंगे ऊपर नीचे कट रहे हैं कि नहीं। तो ऊपर नीचे 4 और 5 नहीं कटते हैं, 20 और 1 नहीं कटते हैं, क्योंकि 1 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे ये तो हमेशा कटा हुआ नंबर होता है, 1 तो हमेशा काट पीट के आया जाता है, ठीक है। तो ये तो कटा हुआ नंबर है। तो अब हम देखेंगे साइड टू साइड, तो पहले हम 4 और 1 की साइड देखते हैं, 1 तो कट ही नहीं सकता है यहाँ पे। अब हम देखते हैं 20 और 5, क्या 20 और 5 किसी एक टेबल में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, किसके टेबल में? 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसी तरीके से 20 को काटा और 5 को काटा, 5 कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, और 20 कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो बिल्कुल ईजी वे में अब यहाँ क्या बच गया, 4, और यहाँ क्या बच गया, 1। अब देखो कट रहे हैं 1/4 नहीं, 4/1 नहीं, 4/1 नहीं, अब बिल्कुल नहीं कट रहा है, यानी कि अब क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 × 4 = 16, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1। मैंने कहा था जब भी नीचे 1 आए तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से लगा भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से हटा भी सकते हैं। तो मैंने इसको अब हटा लिया और क्या बच गया, 16। और हटाया क्यों, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है, 10th पार्ट में लाता हूँ। 10th पार्ट है 15 × 3/5, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, 15 फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और अब बनाया 15/1 × 3/5। अब देखा ऊपर नीचे कट रहे हैं सेम टेबल से, तो 3 और 5 सेम टेबल से नहीं कटते हैं और 15 और 1 नहीं कट सकते हैं क्योंकि नीचे 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में देखेंगे, 3 और 1 क्या क्रॉस में कटते हैं? नहीं, 3 और 1 नहीं कट रहे हैं, 15 और 5, जी हाँ 15 और 5 5 के टेबल में कटते हैं 1 नंबर पे और ये आता है 3 नंबर पे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसी तरीके से काटा, 15 3 नंबर पे और 5 1 नंबर पे। अब देखा कट रहे हैं कि नहीं, तो देखा मैंने आगे कट ही नहीं रहे हैं, अब इससे ज़्यादा कट ही नहीं रहे हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, अब इसको बिल्कुल आंसर निकालूंगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट स्टेप में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 और 1 को 1 से करा 1। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 9/1 है और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती और आंसर 9। अच्छा यहाँ पे लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा ये तो आंसर फ्रैक्शन में ही नहीं है, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में क्या करूँगा, तो इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होंगे ये दोनों आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल एक फ्रैक्शन में ही नहीं है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, जो है शेड। शेड करने के लिए बोला है और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट और ए बी आपको एंड सी आपको ड्राइंग दी गई है, ठीक है। तो इन ड्राइंग्स में आपको शेड करना है, ठीक है, और बिल्कुल इसी स्टेप में जो ये आपको पार्ट दिए गए हैं इसी के तरीके से आपको इनको शेड करना है। तो यहाँ पे हम शेड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका कहता है 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, ये आपको समझना है ये क्या कहता है, ठीक है। यही है जो बिल्कुल ये जो लाइन है ना, अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन में है ही नहीं, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, बी बॉक्स में ट्रायंगल, यानी कि बी बॉक्स ये रहा और इसमें ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि इसी से बात हो रही है। बोलता है इसका 2/3, यानी कि 2/3 इन ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल्स का 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, यानी कि 2/3 ऑफ ट्रायंगल निकालो जो बी बॉक्स में है,
ये समझना है आपने, ये लाइन समझनी है, 2/3 ऑफ ट्राइंगल जो बी बॉक्स में है। तो इसको मैंने सॉल्व कराया है यहाँ पे, तो 2/3 ऑफ ट्राइंगल था इन बॉक्स बी में जो आपकी पूरी लाइन थी। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने हैं जी, वो गिनने हैं आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, 9। तो बी बॉक्स में 9 ट्राइंगल है, यानी कि 2/3 ऑफ 9, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है और इस स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करना है। तो हमने अभी फर्स्ट पार्ट जब हमने करा था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो 2 into 1/5 होता है उसे हम ऑफ कहते हैं, ट्वाइस ऑफ 1/5। यानी कि यहाँ पे भी यही है कि इस क्वेश्चन में है कि जो 2/3 है किसका, 9 का 2/3। तो यानी कि बीच में मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा, ये आपने समझना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, 2/3 ऑफ 9 जो है वो 2/3 × 9 है, और 9 फ्रैक्शन में नहीं है तो फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब चारों नंबर फ्रैक्शन में है और काट पीटने की कोशिश करनी है, तो ऊपर नीचे नहीं कटते हैं दोनों नंबर, और फिर हम क्रॉस में देखेंगे। क्रॉस में 2 और 1 नहीं कट सकते हैं, 9 और 3 कट रहे हैं 3 के टेबल से, 3 आता है 1 नंबर पे और 9 आता है 3 नंबर पे। और अब यहाँ क्या बच गया, एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया, एक 1 बच गया और एक 1 बच गया। तो लिख भी लेता हूँ मैं, 2/1 × 3/1। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा, देखो अब इनको फिर काटने की कोशिश करूँगा, क्या फिर कट रहे हैं, अब नहीं कट रहे हैं ये, ठीक है। तो अब क्रॉस में भी देखता हूँ, क्रॉस में भी नहीं कट रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। और 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बिल्कुल एज इट इज़ मैंने यहाँ पे भी इसको यही सॉल्व करा और 6। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आंसर तो आ चुका है लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं था, आपका क्वेश्चन था शेड, शेड करो इन बॉक्स बी में जो कि 2/3 ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि 2/3 ऑफ ट्राइंगल जो हमारा आंसर आया 6 है वो बी बॉक्स में शेड करो, यानी कि बी बॉक्स में जो 6 ट्राइंगल है वो आपने शेड कर लेने हैं बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं, 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए, बॉक्स ए में, जो बॉक्स ए में 1/2 ऑफ सर्कल शेड करना है। तो 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए, और इन बॉक्स ए में कितने सर्कल्स हैं वो हमने काउंट करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12। तो 12 हैं और इनको हमने सॉल्व करा, 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए, 1/2 × 12/1, और बिल्कुल हमने नीचे ऊपर नीचे देखा कट रहे हैं, और ऊपर नीचे देखा कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो फिर क्रॉस में देखा 1 और 1 कट नहीं सकते, 2 और 12 2 के टेबल में कटता है 1 नंबर पे और ये 6 नंबर पे। तो फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा 6, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, और 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 फिगर्स आपने शेड करनी है इसमें से। तो ऐसे ही हमने थर्ड पार्ट करा जो कि था 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी, यानी कि सी बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल 15 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 3/5 ऑफ 15, और इसको सॉल्व वॉल्व कर लिया और पूरा आंसर 9 आया। वो हमने काटा पीटा बिल्कुल पहले जैसे हमने दो पार्ट करे, बिल्कुल उसी तरीके से ये पार्ट भी होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊँगा, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है। तो जो ए पार्ट है वो कहता है 1/2 ऑफ, उसका ए का भी फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 24 और 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट 46। तो ये है 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। तो ये हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी है। इसको मैं सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। मैंने कहा था कि मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, तो मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। तो इससे हमारा सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को भी बहुत सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। तो अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पड़ेगा, इस ट्रिक का यूज़ हम कर ही लेते हैं, तो देखते हैं। तो फर्स्ट में मैंने ये जो लिखा है ट्रिक वन जो मेरी है उसको मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 0। ये कॉमन सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नंबर का लास्ट की जो डिजिट होती है वो ये आ जाए, ये 2, 4, 6, 8, 0, क्योंकि हम कभी भी किसी को काटते हैं, किसी भी नंबर को काटते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ 24/48, मैं बोल रहा हूँ इनको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे
सबसे पहले इनको देखना होता है कि ये सबसे छोटे टेबल से डिवाइड हो, तो सबसे छोटे टेबल से ये कटे, तो सबसे छोटा टेबल तो 2 होता है, 1 के तो हम 1 से हम करें तो आंसर यही आएगा, तो 1 को तो हम मानते ही नहीं, इसलिए 2 से हम करेंगे, तो हमें ये देखना होता है कि ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो ये सब चीज़ देखने के लिए हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो हमेशा 2 के टेबल में आते होंगे। अब ये नहीं पता कितने नंबर पे आते होंगे, इसको हम दो तरीके से निकालेंगे, वो मैं दो तरीके भी आपको बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तभी मैं बताऊंगा। बस आपने इतना ध्यान देना है कभी भी किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो हमेशा 2 के टेबल में आएंगे, हमेशा। उसके बाद मैंने एक और एक सिंपल सी ट्रिक बनाई, ट्रिक नंबर 2, ये तो सबको कॉमन सी ट्रिक है, किसी के भी लास्ट के नंबर 0 और 5 हों तो वो 5 के टेबल में आता होगा, किसी भी लास्ट का नंबर 0 और 5 हो, लास्ट की डिजिट। यहाँ पे ये मैंने एक और कॉमन सी चीज़ बताई है कि कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे कि हम देखते हैं 23, अब 23 का लास्ट का नंबर है 3, ठीक है, लास्ट का नंबर है 3, यानी कि इस ट्रिक में ये फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसी को आगे फॉलो करा, अब हम 2 के टेबल में नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, 3 के टेबल में ट्राई करते हैं, फिर 3 के में भी नहीं आता तो 4 के में, फिर 6, 5, 6, 7, 8 ऐसे सब में ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर कोई नंबर जैसे कि 23 2 के टेबल में नहीं आता हो, जो 2 के टेबल में नहीं आता हो तो वो आने वाले इवन नंबर 4, 6, 8 और आने वाले जितने भी इवन नंबर है उनके टेबल में नहीं आता होगा। यानी कि जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आया, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, या जो इस ट्रिक में फॉलो नहीं हुआ है, वो आने वाले जितने भी इवन नंबर हैं, जितने भी इवन 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जितने भी इवन नंबर हैं वो उनमें फॉलो नहीं होगा। जैसे कि 23 2 के टेबल में हमने ट्रिक देखा, हो रही है यूज़ नहीं, लास्ट का नंबर 3 है तो ये इसमें आता ही नहीं, यानी कि ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो फिर हम 3 के में ट्राई कर लेंगे, फिर 4 के हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 4 के में 2 के में नहीं आया तो 4 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आया तो 6 में नहीं आया, 6 में नहीं आया तो 8 में, ऐसे सारे टेबलों में वो जब इसमें नहीं आ रहा है तो वो आने वाले जितने भी इवन नंबर हैं उनमें नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट ए पार्ट है, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है 1/2 of 24, तो ऑफ का तो मतलब पता ही है आपको, हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 × 24 और नीचे फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 हो जाएगा। अब हम क्रॉस ऊपर नीचे देखते हैं पहले कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, तो दोनों 1 है तो कट ही नहीं सकते, यानी कि अभी किस में क्रॉस में होंगे, क्रॉस में 1 और 1 तो कटेंगे ही नहीं, 24 और 2 लास्ट के नंबर देख लीजिए, इसका तो फर्स्ट और लास्ट ये कि नंबर है 2 और इसका लास्ट का नंबर है 4। बच्चा सोचता है कि 2 का टेबल तो 10 तक ही ख़त्म, 2 10s are 20, यानी कि 2 का टेबल तो 20 पे ख़त्म हो जाता है, 20 के आगे बढ़ता नहीं है। मैं कहता हूँ उसके आगे भी बढ़ता है, आपने देखना है, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ेगा वो मैं बता दूंगा आपको, वो भी हम ट्रिक के वाइज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 के 24 यानी कि ये कट रहे हैं, लास्ट का नंबर, लास्ट की डिजिट जो है वो 4 है और लास्ट इसका फर्स्ट एंड लास्ट दोनों एक ही नंबर है 2, तो यानी कि ये 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। अब कितने नंबर पे आता है इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको आपको दो तरीके बताता हूँ। कभी भी ये दोनों कट रहे हों और नीचे 2 हो तो हमेशा 2 के, कभी भी आपको पता हो कि वो नंबर 2 के टेबल में आता है, और बस आपको ट्रिक से जैसे मर्जी पता चले कि पता चल जाए आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 24 का ही, मुझे पता चल गया भाई 24 2 के टेबल में आता है लेकिन ये नहीं पता कितने नंबर पर आता है, तो मैं हमेशा उस नंबर का आधा कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर पर आता है। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12, यानी कि जो 12 नंबर पे 24 आता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 30, 30 का लास्ट का नंबर 0, हाँ ट्रिक में मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, यानी कि ये 2 के टेबल में आता है लेकिन ये नहीं पता कितने नंबर पर आता है, 30 का आधा कर लो उतने ही नंबर पर आएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो आप उसका डिवाइड आधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। तो आपने, अच्छा 30 को आपने डिवाइड करना है तो आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। जैसे कि 30 मुझे नहीं पता चल रहा कितने नंबर पर आएगा लेकिन मुझे ये पता है किसके टेबल में आएगा, किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में ही आ रहा है ना, लास्ट की डिजिट 0 है, तो मैं क्या करूँगा उसको 2 से डिवाइड कर लूँगा, उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 1 नंबर पे 2 आता है, 3 - 2 = 1, ऊपर से कैरी हुआ 0, 2 के टेबल में 10 आता है 5 नंबर पे, तो आपने डिवाइड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करा,
वन बाय टू एंड इंटू 24/1। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को काट लूँगा, तो ये कितने नंबर पे, वन नंबर पे। और 24 नहीं पता कितने नंबर पे आता है, मुझे ये नहीं पता 24 कितने नंबर पे आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये टेबल में आता है, तो मुझे ये पता है कि ये टेबल में आता है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये 24 टेबल में आता है और 2 के टेबल में ही आता है, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगा 2 के टेबल से। 2 के 2 वन ज़ा 2 माइनस 0, 2 के टेबल में 4 आता है, आता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ पूरा 0 हो गया, यानी कि 12 पे कटता है, तो मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही 12 पे काट लिया। ठीक है, अब देखा और कुछ कट रहा है, कट ही नहीं रहा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1, तो 12/1 क्या हो गया, 12। तो बस इतना सिंपल सा था ये। सेकंड पार्ट पे देख लेते हैं, 1/2 ऑफ 46, यानी कि 1/2 इंटू 46 और उसके नीचे 1। अब ये देखना है कि कितने नंबर पे आता है कितने पे नहीं आता, तो 1/2 क्या बचा है, 1/2 इंटू 46/1। पहले ऊपर नीचे देखेंगे कट रहे हैं नहीं, ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं, फिर क्रॉस में देखते हैं क्रॉस में कट रहे हैं नहीं कट रहे, फिर 46/2 कट रहे हैं यहाँ क्रॉस में देखते हैं, इसका तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 2 ही है और इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, 6, यानी कि ये दोनों कट रहे हैं, और ये दोनों किसके टेबल में कट रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रिक 2 के टेबल में कट रहे हैं। तो 46 अब मुझे नहीं पता कितने नंबर पे आता, तो या तो आप 46 का आधा कर लीजिए और या फिर आप 46 को डिवाइड कर लीजिए। अब 46 को आपको किसके टेबल में निकालना है, 2 के टेबल में, तो डिवाइड कर लीजिए 2 के टेबल में, 4 2 नंबर पे आता है, 2 2 4 माइनस करा 0 आया, 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे आता है, माइनस करा 0 आया, तो 23, यानी कि इससे मुझे मैंने काटा और बोला 23 नंबर पे और 2 आता है 1 नंबर पे। अब 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रह जाएगा 23, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, और 23/1 तो आंसर सिर्फ 23 ही होता है, तो आपने ऐसा आंसर बता देना है कि योर आंसर इज़ 23। मैं इसका बी पार्ट नहीं, उसको मैं उसके अलावा सी पार्ट लाया, और सी पार्ट हम करेंगे, तो सी पार्ट कहता है 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट 16 एंड सेकेंड पार्ट 36। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट उतारा और यहाँ मैंने सेकेंड पार्ट, 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 इंटू 16/1 एंड 3/4 इंटू 36/1। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 3/4 इंटू 16/1, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर नीचे देखा नहीं कट रहे, क्रॉस में देखा 3 और 1 नहीं कट रहे, 16 और 4 को देख रहा हूँ, ये 4 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन 16 किसके टेबल में आता है, 16 भी 2 के टेबल में आता है, तो इनको काट लेते हैं। लेकिन कोई और भी इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकता है, कोई कह सकता है कि भाई ये 4 और 16 4 के टेबल में ही आ रहे हैं, तो आप 2 के टेबल से सॉल्व कर लीजिए या 4 के टेबल से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैं सबसे छोटे टेबल से ही सॉल्व कर लेता हूँ, 4 से करा तो 2 आया और 16 से करूँगा तो 8 नंबर पे आएगा। अब क्या बच गया, 3/2 मल्टीप्लाई 8/1। अब देख रहा हूँ ऊपर नीचे कट रहे हैं नहीं, ऊपर नीचे नहीं कट रहे, क्रॉस में कट रहे हैं यहाँ नहीं कट रहे, यहाँ पे देखा जी हाँ यहाँ पे फिर कट रहे हैं, तो ये 2 आता है 1 नंबर पे और 8 आता है 4 नंबर पे। अब क्या बचा, 3/1 और 4/1, अब लिखूँगा यहाँ पे 3/1 इंटू 4/1, क्या अब कट रहे हैं, जी नहीं अब तो कहीं से भी नहीं कट रहे हैं, तो क्रॉस में भी नहीं कट रहे हैं, तो लास्ट में क्या कंडीशन मिलती है, 3/4 12, 3/4 मैंने ऐसे ही करा, 3/4 12 और नीचे 1/1 1 और 12/1 को मैंने लिख दिया 12, तो ये सेम एज इट इज़ है। अब 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 इंटू 36, ठीक है, तो 3/4 ऑफ 36 मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 3/4 ऑफ 36/1, ऊपर नीचे देखा नहीं कट रहे, क्रॉस में देखा नहीं कट रहे, इधर देखा हाँ कट रहे, लास्ट का नंबर 6 है और ये नंबर 4 है, यानी कि 2 के टेबल से 4 तो 2 नंबर पे आ गया, लेकिन 36 नहीं पता कितने नंबर पे आता है, तो 36 नहीं पता कितने नंबर पे आता है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर लूँगा या फिर 36 का आधा कर लूँगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, कितने भाई 2 के टेबल से बताना है ना, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 1 नंबर पे 2 आता है, 3-2 1, ऊपर से कैरी 6, 3 के 2 के टेबल में 16 आता है 8 नंबर पे, 16 और ये पूरा 0 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या बचा, 18, यानी कि इसको काटा और बोला 18 नंबर पे आता है। अब क्या बचा, 3/2 इंटू 18/1, अब देखा और कट रहा है कि नहीं, ठीक है,
टू और 18, जी हाँ 2 और 18 फिर कट रहे हैं, 1 नंबर पे और ये 9 नंबर पे। अब कुछ कट ही नहीं रहा तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई है, मैंने यहाँ पे सेम ही करा, मैंने यहाँ पे क्या करा 4 और 36 को डिवाइड कर दिया 4 के टेबल से। तो आपको जितनी आसानी लगे आप उतनी जल्दी कर सकते हो। ये स्टेप हमारा फिर भी छोटे छोटे टेबल से करके फिर भी हमारा बड़ा पड़ रहा है, लेकिन ये जो स्टेप है ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकाल गया। 4 और 36 तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं किसके टेबल में जा रहे हैं, दोनों सेम टेबल 4 के टेबल में जा रहे हैं, दोनों 4 के टेबल पे 1 नंबर पे जा रहे हैं 9 नंबर पे, तो ये ज़्यादा आसान है। तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 9 जा 27 और 4 1 जा 1, ये 4 1 बन गया था, 1 1 जा 1, 27 बाय 1 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। बोलता है पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आपका आ जाएगा उसको लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट उठाया, तो ए पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 1 बाय 5। देखिए यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन कभी भी ऐसे सॉल्व हो नहीं सकती, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है जो भी है उसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो हम 3 ऐसे ही रखा मैंने, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक बार 3 मैंने ऐसे ही रखा और इससे ये मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले से प्लस होता है। तो 5 5 25 25 प्लस 1 26 और नीचे ये नंबर सेम रहता है, तो यहाँ 26 बाय 5 एज इट इज़ रह गया और 3 बाय 1 इंटू 26 बाय 5 3 बाय 1 इंटू 26 बाय 5 क्योंकि 3 के फ्रैक्शन में बना लिया मैंने, यहाँ पे 3 बाय 1 हो गया और मल्टीप्लाई 26 बाय 5। अब ये कंडीशन बन रही है कटने पिटने की, तो मैं देखता हूँ ऊपर नीचे देखा नहीं कट रहे, इधर क्रॉस में देखा 3 और 5 नहीं कट रहा, इधर 26 और 1 कट ही नहीं सकता, यानी कि ये ऐसी कंडीशन बच चुकी है कि ना तो इसमें कुछ कट रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें कुछ कट ही नहीं सकता। तो अब क्या कर देंगे लास्ट कंडीशन में, आमने सामने मल्टीप्लाई। तो 3 को 26 से मल्टीप्लाई करके मैंने 78 लिख लिया, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5, तो क्या बचा 78 बाय 5। अब ये आंसर तो आ चुका है लेकिन ये आंसर अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, यह आंसर अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है और यह आंसर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 5, तो यहाँ पे 5 और 78 को मैंने यहाँ पे डिवाइड करा है, 5 के टेबल में 78 मैं इसको देख रहा हूँ, तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 1 नंबर पे 5 आता है, तो 5 के टेबल में 1 नंबर पे 5 आता है, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 2 बच चुका है। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, 5 को 78 से, 5 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 1 नंबर पे 5 आता है, 7 माइनस 5 2 बचा, ऊपर से कैरी आया 8। 5 के टेबल में 28 नहीं आता है लेकिन 5 आता है 25 आता है 5 नंबर पे, तो 28 में से 25 माइनस करा 3 बचा। अब 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, तो बस इस नंबर को ऊपर शिफ्ट कर देना है, इसको साइड में शिफ्ट कर देना है, इसको बिल्कुल नीचे शिफ्ट कर देना है। तो ऐसे ही ये 3 है, इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो इसको यहाँ पे 15 एंड 3 बाय 5 हम लिख देंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे और इसको बिल्कुल साइड में और इसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे बिल्कुल इस तरीके से, और इसको हम कर लेंगे। तो बी पार्ट पे आते हैं हम, 5 इंटू 6 एंड 3 बाय 4। तो बी पार्ट बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 5 को 5 बाय 1 लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे, तो 4 6 जा 24, 24 एंड 3 27, 27 बाय 4 5 बाय 1। ऊपर नीचे देखा कट रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं, तो साइड में देखा 5 और 4 कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 1 और 27 नहीं कट रहे, यानी कि ये भी सेम कंडीशन बन जाती है। तो मैंने 5 को 27 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 5 को 27 से मल्टीप्लाई करके मेरा 135 आया और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4 बन गया, 135 बाय 4। अब 135 बाय 4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 4 एंड 135, 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 135 से, 4 के टेबल में 13 नहीं आता लेकिन 3 नंबर पे 12 आता है, 13 माइनस 12 1 बचा, और 5 ऊपर से कैरी, 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 नंबर पे 12 आता है, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 3 बच चुका है, 4 के टेबल में 3 अब आता नहीं है, तो बस इस नंबर को ऊपर ले जाना है, इसको साइड में, इसको नीचे, और बिल्कुल ऐसे तरीके से इसको अरेंज कर देना है। तो ई पार्ट पे आते हैं, उसके बाद मैं बाकी सारे पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दिया और ये पार्ट में मैं आया ई पार्ट पे, 3 एंड 1 बाय 4 इंटू 6। बाकी सारे ईजी हैं और इसको देख लेते हैं हम, 3 एंड 1 बाय 4 इंटू 6, तो 4 इससे मल्टीप्लाई और इससे प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 1 13, 13 बाय 4 इंटू 6 बाय 1,
तो 13/4 इंटू 6/1, और अब इनको देखा कि ऊपर नीचे कट रहे हैं तो नहीं कट रहे थे, लेकिन यहाँ 4 था और यहाँ 6 था, तो ये दोनों 2 के टेबल से कटते हैं, 4 आता है 2 नंबर पे और 6 आता है 3 नंबर पे। तो 13 को अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अब कुछ कट नहीं रहा है, 13 3 39 एंड 2 1 2, तो अब बचा 39/2, और 39/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दिया। 2 के टेबल में 2 के टेबल में 39 नहीं आता, लेकिन 19 नंबर पर 38 आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ पे ये नंबर मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको एक बार ये इस तरीके से मैं आपको डिवाइड भी कर देता हूँ, उसमें 2 को 39 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 1 नंबर पे 2 आता है, 3 - 2 हो जाता है 1 और ऊपर से कैरी आता है 9, 2 के टेबल में 19 नहीं आता लेकिन 9 नंबर पे 18 आता है, 9 19 - 1 18, और ये बच चुका है, ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ये साइड में आ जाएगा और ये बिल्कुल नीचे हो जाएगा। तो 2 बिल्कुल नीचे हो चुका है, 1 बिल्कुल ऊपर गया है और 19 साइड में आ चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर हम 7th पे आते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट ए 1/2 ऑफ 2 and 3/4, ये है इसका ए पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट एंड ए का सेकंड पार्ट। तो इसको बिल्कुल वही है, पहले भी हमने करा था वही उसी तरीके की है, ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन की तरह है। तो इसको हम करते हैं, बिल्कुल सेम है, बस आपने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है उसको ठीक कर लेना है और बाकी काटना पीटना है, वो आसान क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो आपका जो आंसर है ना वो भी आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 ऑफ 2 and 3/4, ए का फर्स्ट पार्ट मैंने उठा लिया है, 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होके प्लस, 4 2 8 8 and 3 11/4, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पहले ऑफ का मल्टीप्लाई लिखा और फिर 1/2 फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई 11/4, ठीक है। अब देखा मैंने इधर उधर कुछ कटपिट नहीं रहा है, ठीक है, अब हम थोड़ा ज़्यादा सीख गए तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर उधर देखा कुछ कटपिट नहीं रहा है तो लास्ट में आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 11 11 और 2 4 8, 11/8 मेरा बच गया है, तो 11/8 बचा है। तो 11/8 जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, 8 को 11 से डिवाइड करा, 8 के टेबल में 1 नंबर पे 8 आता है, तो 11 - 8 3 बचा और इसको ऊपर ले गया, इसको साइड में, इसको बिल्कुल नीचे ले गया और ऐसे ही फ्रैक्शन बना दी, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही मैं आता हूँ बी पार्ट, ठीक है। तो उस पर मैं देखता हूँ 1/2 ऑफ 4 and 2/9, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो पहले 1/2 ऑफ को वो बना दिया हमने मल्टीप्लाई एंड 9 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 9 4 36 36 into 38 38/9 बचा एंड 1/2 into 38/9 1/2 into 38/9, ठीक है। मैंने इधर उधर देखा कुछ नहीं कट रहा था लेकिन 2 और 38 लास्ट का नंबर 8 है और ये 2 है तो 38 कटता है, लेकिन कितने नंबर पे कटता है ये नहीं पता, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है कि 2 के टेबल में आता है इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 1 2 3 - 2 1, ऊपर से आया कैरी 8, 2 के टेबल में 18 नहीं आता, 18 आता है 9 नंबर पे, ठीक है। 19 आ गया यहाँ पे, ये कट के क्या हो गया 19 और ये बच गया 1, अब 19 से 9 मल्टीप्लाई होगा और 119 से मल्टीप्लाई होगा 19 आ जाएगा, तो 19/9। अब 19/9 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो 9 को 19 से डिवाइड करें, 9 के टेबल में 2 नंबर पे 18 आता है, 19 - 18 1 बचा और इसको बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, विद्या और प्रताप एक पिकनिक पे गए, देयर मदर गेव देम अ बॉटल ऑफ वाटर, एक उनकी माँ ने उन्हें एक बॉटल दी पानी की, दैट कंटेन 5 लीटर, जो कि 5 लीटर थी ठीक है, ऑफ वाटर, जो 5 लीटर जिसमें पानी भरा हुआ था। विद्या ने कंज्यूम करा, पिया 2/5 ऑफ वाटर, 2/5 ऑफ वाटर उसने पी लिया, एंड प्रताप कंज्यूम रिमेन, और बचा हुआ जो जितना विद्या ने पिया उसका जितना बच गया वो प्रताप ने पिया। तो वो तो पूरी स्टोरी टाइप बता दी, लेकिन यहाँ ये हमारे क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने ड्रिंक कितना वाटर करा ये बताइए, एंड वट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वान्टिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। पहले पार्ट में आपको बताना है कि विद्या ने कितना ड्रिंक करा पानी, और बचा हुआ प्रताप की फ्रैक्शन बताइए, प्रताप ने पिया कितना है वो नहीं बताना, आपने प्रताप की फ्रैक्शन बतानी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रताप ने कितना पिया, तब जाके आप उसके फ्रैक्शन बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने लिखा विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ 5 लीटर, क्योंकि 2/5 पिया है और कितने का पिया है भाई, 5 लीटर का ही तो पिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा विद्या कंज्यूम 2/5 लीटर ऑफ 5 लीटर, यानी कि 2/5 ऑफ
5 लीटर उसने पिया। अब ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बाय 5 ऑफ इंटू मल्टीप्लाई 5, 5 के नीचे 1 ले लिया दोनों फ्रैक्शन बनाने के लिए, और देखा 5 से 5 कट गया एक नंबर पे, एक नंबर पे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, और 1 को 1 से करोगे नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए क्या बचा 2, और यहाँ 5 लीटर था इसीलिए लीटर रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि विद्या कंज्यूम 2 लीटर, विद्या ने कितना लीटर पानी पिया 5 लीटर। एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रताप का पार्ट निकाल रहे हैं, प्रताप ने कितना पिया वो सब, प्रताप कंज्यूम रिमेन, प्रताप ने कितना पिया बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना पिया वो भी देखते हैं। अब हमने क्या करा, लेट लेट बोटल इज इक्वल टू 1, बोटल को हमने 1 मान लिया क्योंकि बोटल थी ही 1, और विद्या ने कंज्यूम करा 1 में से 2/5, ठीक है, तो बचा हुआ जो है वो प्रताप ने, सो रिमेन 1 - 2/5, पूरी बोटल इतनी थी 1 थी, 1 में से विद्या ने कंज्यूम करा 2/5, तो 1 में से 2/5 उसने कंज्यूम कर लिया, यानी कि जो बचा हुआ है वो प्रताप ने पिया, तो यानी कि अब हम प्रताप का ही पार्ट निकाल रहे हैं, तो उससे हमें निकल जाएगा 1 में से 2/5 माइनस करेंगे, तो यहाँ मैंने करा 1 है 1 - 2/5 और 1/1 लिख लिया मैंने, 1/1 - 2/5, और इनको मैंने बिल्कुल एलसीएम लेके 5 बनाया नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, और 5 - 2 पूरा ऐसे लिख के 3/5 आंसर निकाल दिया है क्योंकि मैंने 1/5 को एलसीएम लिया, 1 के टेबल में 5 आता है 5 नंबर पे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 हो गया, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 के टेबल में 5 आता है, हाँ आता है 1 नंबर पे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, 5 - 2 = 3/5, ये पूरी फ्रैक्शन बन गई। सो ड्रिंक बाय प्रताप इज इक्वल टू 3/5 ऑफ टोटल वाटर, यानी कि पहले उसने पूछा था कि विद्या ने कितना ड्रिंक करा, तो वो हमने बता दिया था कि विद्या ने 2 लीटर ड्रिंक करा, यहाँ पे पूछा था कि प्रताप ने कितना वाटर पिया, ठीक है, प्रताप ने फ्रैक्शन मांगी थी, उसने ये नहीं पूछा था कि प्रताप ने कितना लीटर पिया, उसने बस फ्रैक्शन मांगी थी, यहाँ पे उसने लीटर मांगा था कि विद्या ने पिया कितना लीटर है, और यहाँ पे मांगा था कि वट फ्रैक्शन लिखा हुआ था, यानी कि उसने कितनी फ्रैक्शन का पानी पिया, लीटर वीटर कुछ नहीं मांगा था। तो रिमेन ड्रिंक बाय प्रताप, जो जितना भी बचा हुआ पिया है वो 3/5 ऑफ टोटल वाटर पिया है, अगर आप टोटल वाटर कितना था 5 लीटर, ऐसे आप चाहें तो 3/5 ऑफ 5 लीटर का भी निकाल के बता सकते हैं कि प्रताप ने कितना पिया था। तो इसमें हमारी यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।